हेलो फ्रेंड्स, अभी अरूप खान का लेटेस्ट पंजाबी गाना आया है। गाने का नाम है गुच्ची और इसमें रियाज अली को फीचर किया गया है। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, मैं इस गाने को काफी सिंपल टेक्निक से आपको सिखाऊंगा। तो चलिए अब गाने को सीखते हैं। तो अब आते हैं गाने के कॉर्ड्स पे। गाने के कॉर्ड्स काफी इजी हैं। अगर आप केपो को थर्ड फ्रेट पे यूज कर लेते हैं तो जो गाने की ओरिजिनल की है जी माइनर, वो आपके ई माइनर में ट्रांसपोज हो जाएगी। तो अब केवल ओपन कॉर्ड्स लगेंगे। पहला कॉर्ड है ई माइनर, सेकंड कॉर्ड है आपका डी मेजर और थर्ड कॉर्ड है आपका सी मेजर कॉर्ड। पूरा गाना इन्हीं तीन कॉर्ड्स पे बेस्ड है। तो चलिए अब गाने को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं गाने के रिदम की ओर। गाने का रिदम काफी सिंपल है। गाने का रिदम कुछ कुछ ऐसा है, तो ये कुछ नहीं है, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, लेकिन जो लास्ट का अप डाउन है वो काफी तेजी से हुआ है, जैसा कि आप सुन पा रहे हो। तो मैं इसको एक बार कॉर्ड प्रोग्रेशन के साथ आपको बजा के सुनाता हूं और फिर आप इसे मैच कर लीजिएगा। अगर आप मेरे गाने का कवर देखेंगे तो उसमें मैंने कहीं कहीं प्लकिंग यूज किया है। प्लकिंग कुछ नहीं है, एक्चुअली सेम रिदम को मैंने कुछ कुछ इस तरह से बजाया है। इसे सीखने के लिए आपके स्क्रीन में स्ट्रिंग्स फ्लैश हो रही होगी जिनको मैंने हिट किया है, और आप वहां से फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं एक बार आपको स्लोली बजा के दिखा देता हूं। इसके अलावा गाने के बीच बीच में मैंने कहीं कहीं ड्राउन स्ट्रम भी यूज किया, तो वो कुछ कुछ ऐसा है, केवल कॉर्ड्स को ऐसे पकड़ के हिट किया है। अब आते हैं गाने के बीच में यूज किए गए लिक्स की। बेसिकली अगर आप गाना अच्छे से सुनेंगे तो वो मेडोलियन में प्ले हुआ है, शायद गिटार में नहीं, बट फिर भी इसको हम लोग गिटार में सीखेंगे और वो काफी इजी है और आप इजीली प्ले कर लेंगे। तो मैं एक बार इसे बजा के सुना देता हूं आपको, उसके बाद फिर मैं आपको टैप्स दे दूंगा, आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आप वन बाय वन स्लोली इस लिक्स को सीखेंगे। आपके स्क्रीन पे टैब्स फ्लैश कर रहे होंगे, आप उनको फॉलो कर लीजिए। मैं धीरे धीरे करके एक एक आपके जो लिक्स है उसको बजाना चालू करूंगा। तो चलिए अब गाने को ओरिजिनल ट्रैक के साथ रिकॉर्ड करते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए, मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा।
Thank you.